राष्ट्र का गौरव माना जाता है। तिरंगे की आन बान और शान के लिए जहां देश की सीमा पर हजारों सैनिक तैनात रहते हैं और तिरंगे की आन बान शान के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, उसी तिरंगे का अगर अपमान हो जाए तो कहीं ना कहीं दिल में एक बहुत ही बड़ी चोट लगती है। जी हाँ, गणतंत्र दिवस के अवसर पर गंज बासोदा के शासकीय प्राथमिक शाला मिर्जापुर में जहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल के शिक्षकों द्वारा झंडा वंदन तो किया गया, लेकिन सूर्यास्त के बाद उसको उतारना भूल गए। जबकि इस बार शासन ने आदेश दिया था कि झंडे को उतारने के लिए और फहराने के लिए अलग से ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसका आदेश भी जारी हुआ था, लेकिन आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए ये पूरी तरह से मनमानी की गई है। जब उस समय स्कूल के आसपास नगर पालिका में पदस्थ सफाई कर्मी राधा वाल्मीकि अपनी ड्यूटी के अनुसार साफ सफाई करने पहुंची तो उसने देखा कि झंडा अभी भी फहरा हुआ था, जबकि सूर्यास्त हो चुका था। उस सफाई कर्मी महिला द्वारा राष्ट्र के सम्मान में तिरंगे के सम्मान में बड़ा कदम उठाते हुए छोटे छोटे बच्चों को स्कूल की बिल्डिंग पे चढ़ाया, वो पूरे सम्मान के साथ तिरंगे को उतारा और अपने साथ रखे हुए है। जब मीडिया कर्मी उसके घर पहुंचे तो देखा तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ उसने रखा है और उसे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि उसने राष्ट्र के सम्मान में बड़ा कार्य किया है। कुल मिलाकर मोटी मोटी तनख्वाह लेने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने वाले शिक्षक हैं, तो वहीं एक और सफाई कर्मी महिला है जिसने इतना बड़ा कदम उठाते हुए तिरंगे के सम्मान में तिरंगे को गौरव को बरकरार रखा। अब देखना है कि ऐसे लापरवाह शिक्षक व कर्मचारियों पर शासन प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। जो छोटे छोटे बच्चों से उतरवाया था आप बताइए, वो ऊपर तर का अलग ग्रुप है। अच्छा, नहीं ये बहुत अच्छी खबर है दीदी, बहुत अच्छा। ये राष्ट्रीय ध्वज जहाँ नहीं थी, मैं पवन गुप्ता कह रहा दीदी खड़े तो हो जाओ जरा दो मिनट आपको हम लोग। सुबह 9:30 बजे मैं स्कूल वहाँ पे महालक्ष्मी हाल है उधर लक्ष्मी हाल उधर काम करने गई थी। मैं सफाई करती हूँ उधर और स्कूल की भी सफाई करती हूँ, तो वहाँ पे लहरा रहा था ये, तो मैंने सोचा 5:30 बजे उतर जाता है ये, पता नहीं क्यों किसी ने नहीं उतारा इसको, तो मैंने बच्चे को चढ़ा के मैंने उतार लिया इसको, उतार के मैं अपने घर ले आई। फिर मैंने किसी को जानकारी नहीं थी, फिर मैंने इस स्कूल के जो प्रिंसिपल मैडम है उनको फोन लगा के बोला, तो वो कहने लगी कि जे फातिमा वी का काम था, उन्हीं की ड्यूटी थी ये उतारना, उन्होंने नहीं उतारा है, तो उन्होंने किया कि राधा इसको अपने पास रख लो घर पे, कल जब आओगे तो हम ले लेंगे। और जो साधना दीदी तो आती स्कूल भी आती है तो 10 बजे ही खुल जाता है, पर वो आती हैं वो 11:11 बजे स्कूल भी खोलेंगी, बहुत लापरवाही करती हैं वो, और जे काम भी उनने ऐसे ही जी करा। तो दीदी आपने ये झंडा उतारी, राष्ट्र के गौरव और सम्मान की बात होती है तो आपको भी अजीब सा लगा होगा, कैसा महसूस हो रहा है आपने एक सम्मान रखा उसका? और क्या, जब सम्मान वाली बात है कि अभी तक लहरा रही है, वो तो कल 5 बजे उतर जाना था इसको, तो उतार के घर ले आए भैया, और कुछ नहीं बस।